बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम पेपर फर्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटी कंट्रोल। और इस पेपर फर्स्ट जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटी कंट्रोल है, इसके अंदर चैप्टर चल रहा था अपना मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, और मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत हम देख रहे थे टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, समय समायोजित प्रत्यादर विधियां। और समय समायोजित प्रत्यादर विधियां हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। उसके अंतर्गत हमने क्या किया था कि जो कैश इनफ्लोज हैं उनको हमने किसी एक बट्टा दर से उनकी प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात की, और उसको जो कैश इनफ्लोज हैं उनको हमने एक रुपए की जो प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान में है उसके हिसाब से हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करके, और उसमें से हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या जो प्रारंभिक विनियोग है या प्रारंभिक जो लागत है घटा करके हमने लिया था। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि से हम उस परियोजना का चुनाव करते हैं जिसकी शुद्ध वर्तमान मूल्य सबसे अधिक होता है, या अगर वो धनात्मक होती है तो उसको हम चुनाव कर लेते हैं। आज के हम इस वीडियो में समय समायोजित प्रत्यादर की जो विधियां हैं उनमें जो सेकंड मेथड है वह है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, वर्तमान मूल्य सूचकांक या लाभप्रदता सूचकांक विधि। इस विधि में हम क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जितने भी कैश इनफ्लोज हैं उनके हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उस प्रेजेंट वैल्यू को अकाउंट करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका वर्तमान मूल्य कितना है, तो जो वर्तमान में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो कैश इनफ्लोज है उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये वैसे निकलेगी जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था। और यहाँ पर जो इंडेक्स आपका आएगा ये यदि एक या एक से अधिक आएगा तो उस परियोजना को हम स्वीकार कर लेंगे, यदि एक से कम आएगा तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और मान लीजिए परियोजना आपके पास में एक्स वाई जेड तीन हैं और इनका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो के हिसाब से इसका सपोज करिए 1.50 आता है, इसका मान लिया 1.30 आता है, इसका मान लिया 1.70 आता है, तो हम उस परियोजना का चुनाव करेंगे जिसका सबसे ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं 1.70 जेड परियोजना सबसे अधिक है तो इसको चुनाव कर लेंगे, है ना। और उसके बाद यदि प्रायोरिटी देनी है तो एक्स परियोजना देंगे, उसके बाद वाई परियोजना देंगे। और मान लीजिए किसी परियोजना का ए परियोजना है, इसका मान लीजिए 0.75 आता है जो कि एक से कम है, तो हम उस परियोजना को स्वीकार नहीं करेंगे। कुल मिला के बात यह हुई कि इस मेथड के आधार पर हम उस परियोजना का चुनाव करेंगे जिसकी एक एक से अधिक होने पर इसको स्वीकार किया जाएगा, यानी कि जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है अपॉन टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है उसको सॉल्व करके उनका इंडेक्स ज्ञात किया जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं इसको। सपोज करिए एक्स मशीन है और इस एक्स मशीन की लागत 50,000 रूपए है। इस एक्स मशीन से पहले साल में 5,000 रूपए का कैश इनफ्लो होता है, दूसरे साल में 20,000 का होता है, थर्ड ईयर में 20,000 का होता है, फोर्थ ईयर में 10,000 का होता है, और फिफ्थ ईयर में 10,000 को होता है। ये कैश इनफ्लोज दे रखे हैं एक्स मशीन की। अब इसको हम स्वीकार करना है नहीं करना है ये हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन से। और यहाँ पर दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% डिस्काउंट, यानी कि एक रुपए की 10% से डिस्काउंट से प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, पहले साल में क्या होगी, दूसरे साल में क्या होगी, तीसरे साल में क्या होगी, ये आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगी। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने किया था वैसे ही हम यहाँ सॉल्व करेंगे कि जो एक्स मशीन है इसके पहले साल में कितना कैश इनफ्लो है 5,000, दूसरे साल में कितना है 20,000, तीसरे साल में कितना है 20,000, चौथे साल में कितना है 10,000, और पांचवें साल में भी 10,000। ये आपके कैश इनफ्लो दे रखे हैं। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या करनी है, तो यहां पर हम लिखना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट की एक रुपए की वो कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 बनारस एट 10% डिस्काउंट, ये क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो पहले साल के लिए आती है 0.909, दूसरे साल की आती है 0.826, तीसरे साल की आती है 0.751, तीसरे साल चौथे साल की आती है
683 और पांच से साल के लिए आती है 0.621। ये ₹1 की 10% डिस्काउंट से प्रेजेंट वैल्यू रखी है। यहाँ 10% हो सकता है, 8% 5% वाट एवर, जो भी क्वेश्चन करेगा उसके हिसाब से हमें प्रेजेंट वैल्यू क्या करनी है। क्या करना है आपको कि कैश इंफ्लोज इनटू प्रेजेंट वैल्यू जो 10% डिस्काउंट उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपको 4,545 रुपए। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2826 तो ये आ गया आपका 16,520 रुपए इसका आ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 0,2,15,20 इसका आ गया। इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं कितना 6,830 इसको करेंगे तो अपन 6,210 रुपए। अब इसको टोटल कर लेते अपन 5, 4, 6, 8, 4, 4, 12, 8, 3, 11, 10, 21, 22, 23, 24, 29 तो ये आगे लगभग 49,125 ठीक है। ये आगे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इंफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितने 50,000 इसको अपन करते हैं 49,000 ये पॉइंट मांगा यानी कि एक से कम है। अगर ये 50,000 होता पूरा तो एक आ जाता। अब इसमें आएगा 0.9545 आगे हम बढ़ते जाए तो 9 यानी कि कुछ 0.99 करीब आ रहा है। तो इस आधार पर ये चूंकि एक से कम है ठीक है तो इस परिणाम को हम स्वीकार नहीं करेंगे क्लियर। अब हम वाई पोजिशन लेते हैं वाई पोजिशन है जिसकी लागत 7,000 रुपए है और पहले साल में इसके 10,000 रुपए का कैश इनफ्लो होता है, दूसरे साल में 20,000 का होता है, तीसरे साल में 20,000 का होता है, चौथे साल में 20,000 का होता है और पांचवे साल में 10,000 का कैश इनफ्लो होता है। वही प्रेजेंट वैल्यू रखेंगे रुपए की, वापस रिपीट कर लेते हैं पर 0.909 उस साल के 0.826 0.751 0.683 और 0.621 इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16,520 6,13,607 इसका आ जाएगा आपका 0.4। ये आगे इनकी प्रेजेंट वैल्यू इसको टोटल कर लीजिए आप, ये टोटल आ गया आपका 0, 2, 8, 10, 12, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 10 ये आगे आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब फिर कर दीजिए तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे इनको कितनी होगी 66,710 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू कैसे लोड करते हैं 60,000 ये आ गया 6 का भाग देंगे तो 60,000 के भाग देंगे तो 1.11 के करीब आएगा। तो ये क्या हो गया आपका एक से अधिक हो गया क्योंकि यह 60,000 है या 66,710 है ये ज्यादा होगा तो इस परियोजना को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमको इन दोनों में से किसी को चुनाव करना है एक्स और वाई में से हम क्या करेंगे वाई का ही चुनाव करेंगे। तो इस प्रकार से प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स
कि अंततः हम जो सूचकांक निकाल रहे हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू जो इंडेक्स निकल रहा है, वो यदि एक या एक से अधिक है तो हम परियोजना को एक्सेप्ट करेंगे, और एक या एक से अधिक कम है, एक नहीं है, एक से कम है, पॉइंट में आ रहा है, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। थैंक यू।